स्वागत है आपका एफएस न्यूज में और मैं हूं अनिल। अभी हम मौजूद हैं गोपालगंज सदर विधानसभा में और आपको बता दें कि जैसे मोकामा और गोपालगंज में उपचुनाव होने को है, उसी को लेकर यहां पर जो सभी प्रत्याशी जो है जैसे राजद महागठ और भाजपा, उसके बाद भाजपा सभी अपना अपना भाग आजमाने के लिए निकले हुए हैं। तो अभी हमारे साथ यहाँ पे जो राजद के महागठबंधन के उम्मीदवार मोहन गुप्ता जी हैं, उनके जो समर्थक हैं उनके लिए वोट के लिए यहाँ पे देख रहे हैं, जो पैदल मार्च कर रहे हैं। आइए, यहाँ जो राजद के वरिष्ठ नेता है इनसे हम चल के बात करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ के जो लोगों को एक करने के लिए अपने वोट मिलाने के लिए क्या करते हैं। क्या कहिएगा सर, जिंदाबाद, क्या कहिएगा आप लोग मोहन गुप्ता के लिए इतने कड़ी धूप में मेहनत कर रहे हैं। हमारे बिहार के कोने कोने से हमारे माननीय विधायक, वैश्य समुदाय के विधायक, बनिया समाज के विधायक, सारे लोग शहर उतरे हुए हैं और एक एक दुकान से आग्रह विनती कर रहे हैं कि 3 तारीख को 3 नंबर पर लालटेन के सामने वाला नीला बटन दबा करके अब मोहन प्रसाद गुप्ता को 50,000 वोट से जिताना है। जहां एक तरफ साधु यादव बोल रहे हैं हमारी लड़ाई भाजपा और हमसे और राजद से नहीं है, रामपुर टगराही पंचायत से लेकर के अब फूलगी पंचायत होते हुए शामपुर पंचायत तक कहीं किंतु परंतु नहीं है। आप जो सोच रहे हैं आप लोग भी घूम रहे हैं और हकीकत, जमीनी हकीकत को समझ रहे हैं, कहीं कोई बंटवारा नहीं है। A to Z जो तेजस्वी यादव जी का नारा है, A to Z टोटल समाज का लोग मोहन प्रसाद गुप्ता का अपना वोट कर रहा है। तो यहाँ पे तो जो देखा जा रहा है भाजपा का ये गढ़ रहा है जो सदर विधान है सीट, जो सदर का सीट है, तो क्या लगता है कि इस बार राजद यहाँ पे लालटेन जल पाएगा? राजद आप भाजपा के कैंपियन से आप समझ सकते हैं कि उनका जमीन खसक चुका है। उनका जो वोट बैंक था वह वोट बैंक महागठबंधन के साथ में है। महागठबंधन 7 दलों का महाकुंभ है और महाकुंभ में इतना जाति वोट का समीकरण दोष है। आपकी पार्टी बोलेगी भाजपा हटाना है, क्या लगता है कि बिहार से भाजपा हटेगी? निश्चित तौर पर इनका जो फेकू विजय बयानबाजी है, जो जनता के लिए कुछ नहीं किए, न रोजी दिए न रोजगार दिए, सारी रोजी रोजगार को देखते हुए नौजवान से लेकर बुजुर्ग महिलाएं तक ये तय कर चुकी है कि देश से भाजपा को भगाना है, बिहार में तेजस्वी को लाना है। एक तरफ जहां देखा जा रहा है गोपालगंज का जो सीट है आदरणीय लालू प्रसाद जी का पैतृक गाँव है, ये सीट हॉट सीट बन चुका हुआ है। इस पे तमाम भारतवासी चाहे जो भी बोले उनका पैनी नजर बना हुआ है इस सीट को लेकर। आपका ये सही बात है कि पूरा देश के निगाह गोपालगंज उपचुनाव पे है और गोपालगंज की यह उपचुनाव यह दिशा और दशा तय करेगा कि देश में कौन अगला राज करेगा। ये हमारे सारे नेता लोग अपने तमाम जगह नुक्कड़ सभा के माध्यम से अपने बात को बता रहे हैं। बिहार में 2 उपचुनाव हो रहा है, एक मोकामा और गोपालगंज की बात कर रहे हैं, तो दोनों सीट पे RJD का सीट निकल के आएगा? दोनों सीट अपार बहुमत से राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है। भाजपा जहां एक तरफ बोलती है सबका साथ सबका विकास, इसमें क्या कहेंगे सर? आज सबका विनाश ये नहीं बोलती है, लेकिन सच्चाई है कि सबका विनाश करना शुरू कर दिया है। क्या लगता है लालटेन जलेगा? 100% जलेगा। ये देखिए जो राजद के यहाँ पे समर्थक है इनसे भी देखिए, आपको तस्वीरें साफ तौर पे दिखाएंगे किस तरह से साइकिल पे लालटेन टांग के घूम रहे होंगे। पटना से आए हुए हैं कवि जी, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहिए कवि जी? जी बोलिए सर, लालटेन ऐसा जलेगा कि गोपालगंज में प्रकाश ही प्रकाश आएगा और सफलता कामयाबी पुरजोर होगा, अजमलबाजों का मुंह जोर होगा। धन्यवाद। नहीं नहीं, आप पटना से चल के आए हुए हैं लालू जी के लिए और यहाँ पे देख रहे हैं जो भाजपा है वो भी उस काफी मेहनत कर रही है अपने सीट के बचाने के लिए। वो मेहनत कर रहे हैं ठगने के लिए, गुमराह करने के लिए, हम मेहनत कर रहे हैं आंखों के आंसू सुखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि जिंदगी क्या है, जिंदगी जीने के लिए है, ना कि गुमराह होने के लिए। गुमराह होने नहीं जा रहे हैं, अगले बार लालटेन आ रहे हैं और गोपालगंज मुस्कुराएगा और खुशियों का गीत गाएगा, हर दिन होली होगा और रात दिवाली होगा। तो लोग तो बोल रहे हैं कि लाइन का जमाना में लालटेन का क्या होगा, यहाँ तो 24 घंटा लाइन रह रहा है। लाइन के जमाने में तुलसीदास लालटेन में, सूरदास लालटेन में, बुद्ध महावीर भीम लालटेन में, महापुरुष लालटेन में हुए थे। और बिजली में तो कायर लोग होते हैं, बहुत सारे लोग बिजली के फेर में पढ़ाई नहीं करते हैं।
और क्या कहिएगा जो कि यहाँ पे मोहन प्रसाद गुप्ता जी हैं, काफी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, पूरा के पूरा मजबूती से लड़ रहे हैं, लड़ा रहे हैं और हम लोग साथ में आ रहे हैं और पूरी के पूरी 110% जीत महागठबंधन के होने जा रही है। अच्छा, एक तरफ जहाँ तेजस्वी यादव जी के मामा जी है, तो क्या लगता है यादव जो वोटर होंगे तो उनके ऊपर उनके तरफ आकर्षित हो पाएंगे कि नहीं? वो कुछ नहीं होने जा रहा है, काम जानता है जनता, काम किए हैं लालू जी, काम करे तेजस्वी प्रसाद यादव जी और काम के वजह से लोग आएंगे और बिना हवा का झोंका ऐसा आएगा, सलाम आएगा, लालटेन का सलाम आएगा, लालटेन के 3 तारीख को बटन दबाएंगे और 6 तारीख के लालटेन चल जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम यहाँ पे दिखाएंगे कि जो सिवान के MLC विनोद जायसवाल जी है वो भी आए हुए हैं, उनसे बात करेंगे। राधा चरण सिंह शाह है वो भी आए हुए हैं, सासाराम विधायक है वो भी आए हुए हैं, राजेश गुप्ता जी। तब तक के लिए बने, आगे चल के हम बात उनके ही पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भाजपा के, उनका कहना है कि ये दोनों सीट जो है वो राष्ट्रीय जनता दल जीतेगी। आप चाहे तो उनका बयान देख लीजिए। चलिए, यहाँ पे जो राधा शरण शाह जो MLC है वो भी अपना यहाँ पे कैंपेनिंग कर रहा है, जदयू महागठबंधन के उम्मीदवार मोहन गुप्ता जी है उनके समर्थन में। आइए इनसे बात करेंगे, क्या कहिएगा सर जिस प्रकार से मोहन प्रसाद गुप्ता जी बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, उसके लिए? इसी मजबूती में हम लोग सहयोग करने के लिए आए हैं, निवेदन करने के लिए आए हैं, सभी साथियों से हम लोग अपील कर रहे हैं कि मोहन गुप्ता जी जो RJD के उम्मीदवार हैं, एक एक वोट उनको माने देकर विजयी बनावें। जो महागठबंधन बना है नीतीश जी को, तो नीतीश जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर चल रहे हैं। नीतीश जी के राज में समझिए कि बहुत विकास हो रहा है और होगा। मोहन गुप्ता जहाँ एक तरफ भाजपा कह रही है कि नीतीश कुमार पलटू चचा है, फिर से पलट कर आ सकते हैं, इस पे क्या कहेंगे? अरे तो उस विषय में हम क्या कहेंगे, लेकिन जितना प्रधानमंत्री जो अभी है जितना झूठ बोल रहे हैं, उतना कभी कोई प्रधानमंत्री इतना झूठा साबित नहीं हुआ है। तो एक तरफ जहाँ पे तेजस्वी यादव चाहे RJD के तरफ से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का दावेदार भी बताया जा रहा है, तो नीतीश जी जैसा कोई देश में नेता नहीं है, सब लोग उनके तरफ तकतकी लगाए हुए हैं कि आदरणीय नेता नीतीश जी भारत का प्रधानमंत्री हो गए, जैसे बिहार में विकास किए हैं वैसे भारत में विकास करेंगे। अच्छा, आगामी जो चुनाव होगा यहाँ पे गोपालगंज में उपचुनाव होगा, तो यहाँ पे जो आपके वोटर हैं, जो सपोर्टर हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे सर? यही ना कि जो महागठबंधन के उम्मीदवार मोहन गुप्ता जी है, मोहन गुप्ता जी को लालटेन छापा, एक एक वोट देकर विजयी बनाने का। हम लोग लालटेन जलेगा गोपालगंज में, एकदम जलेगा, 100% जलेगा, लालटेन जलेगा। ये थे राधा शरण शाह जी, जिनका साफ तौर पे कहा जी प्रदेश अध्यक्ष, आपदा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनसे हम बात करें, क्या कहिएगा सर उपचुनाव जो हो रहा है गोपालगंज में उसको लेकर? इस उपचुनाव में आप देख रहे होइएगा कि हम लोग लगातार देश और व्यवसायिक समाज में घूम रहे हैं और पिछले 10-12 दिनों में इतनी माहौल बदली है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का गिरवी कहे जाने वाला व्यवसायी समाज का वोट मिथक तोड़ने के लिए तैयार है। और जिस तरह से गुलामी की जंजीर में था भारतीय जनता पार्टी का, कहा जाता था कि बनिया का वोट है, वह इस बार बनिया एक एक वोट अपने समाज के राजद महागठबंधन के प्रत्याशी मोहन गुप्ता जी को जीत सुनिश्चित कराने के लिए कटिबद्ध है, संकल्पित है और एक एक व्यवसायी समाज का वोट पूरे विधानसभा का मोहन गुप्ता जी को देने के लिए तैयार है। एक तरफ यहाँ पे देखा जा रहा है तो AMIM के तरफ से असलम मुखिया जी हैं और यहाँ जो भाजपा के साधु यादव जी हैं और तीसरी तरफ RJD के मोहन गुप्ता जी हैं, तो क्या लगता है कि जो समीकरण है अल्पसंख्यक का और इधर MY जो समीकरण बोला जाता है, तो उसका प्रभाव पड़ पाएगा ये मोहन गुप्ता को? कहीं किसी का कोई अता पता है यहाँ पूरे गोपालगंज में? कहीं किसी का अता पता नहीं है, किसी पार्टी का अता पता नहीं है। और सीधा जिधर जाइए, गली में, सड़क में, चौक पर, चौराहों में, जिस दुकान में, जिस व्यक्ति के पास, सब कह रहा है कि नहीं 27 वर्षों के बाद बहुत बड़ा
व्यवसायी समाज का बेटा को यह टिकट मिला है लालटेन छाप पर। बिहार के उप मुख्यमंत्री जिसने 600 करोड़ का एक महीना सरकार बने हुआ है और सबसे बड़ा सौगात इस गोपालगंज वासियों को देने का काम किया है, निश्चित तौर पर वह संकल्प है। वह समाज ही नहीं बल्कि पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी वर्ग के लोग, चाहे अल्पसंख्यक हो, सभी वर्ग के लोग कटिबद्ध है, संकल्पित है और भारी मतों से जीत सुनिश्चित कराने के लिए तैयार है और कहीं कोई व्यवसायी इस बार छलिया के चक्कर में पड़ने के लिए तैयार नहीं है। अपना परिचय दे। मैं डॉक्टर पीके चौही, राष्ट्रीय भैंस महासभा का बिहार के कार्यकारी अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष राजद, आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ बिहार। तो ये थे राजद आपदा प्रकोष्ठ प्रबंधन के प्रदेश अध्यक्ष, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार जो है मैडम जो राजद के लालटेन छाप से चुनाव जीतेंगे मोहन गुप्ता, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए।